उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला बैंक का उद्घाटन किया है। इस दौरान सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस ब्रांच में मैनेजर समेत 4 महिला कर्मचारी होंगी। सीएम ने यह भी कहा है कि महिला बैंक में मैनेजर से लेकर ड्राइवर तक सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी। सीएम ने यह भी कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वहीं राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हर जिले में महिला सहकारिता बैंक खोली जाए। हर जिला मुख्यालय में एक एक महिला बैंक खोल रहे हैं और इस महिला बैंक की खूबी रहेगी कि इसमें मैनेजर से लेके और फोर्थ क्लास से लेके ड्राइवर से लेके क्लरिकल स्टाफ से लेके लगभग 10 महिलाओं को इन बैंकों में रोजगार मिलेगा। और हमारी सरकार का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अगले 2 साल में हमने लगभग 5 लाख खाते महिलाओं के खोले। अभी तक हमारे बैंकों में 2.25 लाख खाते हैं। पहले हमने राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की शुरुआत की थी, फिर पंचायतों में की, जिला पंचायतों में की, नगर निकायों में की, और आज जब हमारी सरकार बनी है, मैं बधाई देना चाहूँगा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी को कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने कहा कि महिला बैंक की शाखाएँ खोली जा सकती हैं क्या, उन्होंने बहुत कम समय में निर्णय लिया और उसकी शुरुआत।